गया पुलिस ने मोहनपुर थाना क्षेत्र से अरविंद अपहरण कांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में एसपी सिटी हिमांशु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अरविंद का अपहरण के बाद हत्या कर दिया गया था। एसपी सिटी हिमांशु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अरविंद के पिता द्वारा मोहनपुर में अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने जाँच शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या में शामिल दो हत्यारे लालू और अजीत को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी ने बताया कि यह दोनों गिरफ्तार हत्यारे लालू और अजीत अफीम और गांजा की तस्करी करते थे। एसपी ने बताया कि लालू और अजीत के साथ अरविंद भी इस तस्करी में शामिल हुआ था और कुछ बात को लेकर विवाद हुआ। साथ ही अरविंद उनकी बहन से प्यार कर रहा था, जिसके कारण इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को बरामद कर मगध मेडिकल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्याकांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गंभीर मर्डर कांड का उद्घाटन किया गया, जो कि पहली बार हुआ था हमारे, उसका उद्घाटन किया गया, उसी के लिए बुलाया गया। दिनांक 10/12/2023 को इस कांड के बाद ही जलधारी यादव थाना के अपना शिकायत देते हैं। इनका जो बेटा है अरविंद यादव, वो मोटरसाइकिल लेके घर से निकला और 8 को ही निकला था, 8/12/2023 को ही निकला था। और एक दो दिन बाद आया, जब लगा था कि आ जाएगा इनका बेटा, और जब वो फ़ोन कर रहे हैं तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो हमें लगता है कि उसके साथ कुछ दुर्घटना घट गई है। कुछ तो इसी संबंध में मोहनपुर थाने में 1058/23 केस नंबर दर्ज किया गया, जो कि 363/34 IPC के तहत दर्ज किया गया और उसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस केस के बारे में जब हम लोग को पता चला, तो हम लोगों ने तुरंत एक टीम बनाया SDPO सौरभ बोधगया के अंदर, जिसमें मोहनपुर थाना के शिवम थे, मोहनपुर थाना के थाना अध्यक्ष अविनाश थे, और इन्हें यह टास्क दिया गया कि जो अरविंद जो लापता है उनको तुरंत रिकवर करें। इस टीम ने तकनीकी एवं मानवीय सूचना के अनुसार काम करना शुरू किया, तो इन्हें अरविंद यादव के जो निजी ज़िंदगी के बारे में चीज़ें राज खुलना शुरू हुई। उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे, जो दोस्त थे, उनसे जब हम लोग पता लगाए तो पता चला कि ये जो थे इसी क्रम में निशानदेही पे ही हम लोगों ने दो जगह रेड भी मारा। यह सूचना पाके कि वहाँ पे डोडा हो सकता है, तो एक दो लाइन होटल्स थे और ये दोनों लाइन होटल्स जो थे ये अरविंद यादव खुद मैनेज करते थे, तो इसीलिए वहाँ पर हम लोग जाके पूछताछ करना शुरू किए। और जब वहाँ पे सर्च हुआ तो वहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 39 किलोग्राम डोडा और 600 ग्राम गांजा, 500 ग्राम अफीम भी बरामद किया। या जो ये करणजीत सिंह ढाबा एवं नीरदीप सिंह ढाबा पंजाबी ढाबा था, जहाँ पे हम लोग रेड किए थे, और इसके लिए अलग से केस हुआ है मोहनपुर थाना में, जिसका कांड संख्या 10/59/23 है। जब हमें अरविंद के बारे में और पता लगाया तो पता चला कि इनके जो मित्र हैं जिनके साथ ये व्यापार किया जाता था, उनका नाम था लालू कुमार और अजीत कुमार। तो इन दोनों से जब हम पूछताछ किए तो और भी राज पता चला, और फिर जब इनसे हम लोग थोड़ा सा और पूछताछ किए तो ये लोग ने अपनी संदिग्धता को स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि यही डोडा के कारोबार में, ड्रग्स के कारोबार में हमारे बीच में पैसों का लेन देन भी मामला हुआ था, और इसीलिए हम लोगों ने इसको अरविंद यादव को मार दिया। इसमें एक और भी पहलू था, इसमें ये पता चला कि एक अभियुक्त के बहन के साथ उसका प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, जिससे पहले से ही आक्रोश था, और उसे भी घटना का कारण बताया गया। दोनों की निशानदेही पे हम लोगों को जो उनका मोटरसाइकिल था अरविंद का, वो भी बरामद हुआ, शव भी बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहाँ पे हम लोग जो स्वान दस्ता है और ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, ताकि एविडेंस जुटाएं और जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दिलाएं। इसमें कुछ लोग और हैं जो फरार हैं और अनुसंधान उस पर जारी है और छापेमारी भी जारी है। इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम लालू कुमार है, पिता महेश यादव, ग्राम राजनाथपुर थाना मोहनपुर, और दूसरे अजीत कुमार, पिता धर्म सिंह, ग्राम मसाधा मोहन थाना। तो इस प्रकार से यह जो घटना थी, जो पहले किडनैपिंग लग रही थी, बाद में मर्डर टर्न हो गया, तो उसका उद्घाटन किया गया है। और इसमें जो पुलिस अधिकारी थे उन्हें भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग था, ब्लाइंड केस।
हर ब्रांड का फुटवेयर आपके पॉकेट बजट में और साथ में एक धमाकेदार ऑफर। एक शू मात्र 650 रुपए में और साथ में एक शू फ्री, एक एक्वालाइट हवाई मात्र 200 रुपए में और साथ में एक एक्वालाइट हवाई फ्री हिंद फुटवेयर। सबसे बड़ा रिटेलर आपके शहर में। आप अपने परिवार के लिए जूते, सैंडल और भी कई टाइप के फुटवेयर खरीद सकते हैं। एक ऐसा रिटेलर जहां मिलेगा आपके पसंद का फुटवेयर। हम आपके पसंद ना पसंद का पूरा ख्याल रखते हैं। आप किसी भी उम्र के हों या किसी भी बजट में, हमारे पास सभी के लिए है कुछ नया और कुछ स्पेशल। जेंट्स, लेडीज या किड्स, सभी के लिए फुटवेयर अवेलेबल है। अपने पुराने फुटवेयर को करें बाय बाय, एक नया फुटवेयर नए कॉन्फिडेंस के साथ। आपको ये जान के खुशी होगी कि गया शहर में ऐसा पहला शोरूम है जिसके पास अनेकों कंपनियों की एजेंसी है, जैसे बाटा, लिबर्टी, एक्वालाइट, वीकेसी, टीआरवी, वेलकम, लखानी, एक्शन। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें।